हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं ये है NIOS का हिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर नंबर 2, द ज्योग्राफिकल सेटिंग एंड प्री हिस्टोरिक कल्चर्स ऑफ इंडिया। तो आइए शुरू करते हैं। द हिस्ट्री ऑफ एनी कंट्री और रीजन कैन नॉट बी अंडरस्टूड विदाउट सम नॉलेज ऑफ इट्स ज्योग्राफी। The history of the people is greatly conditioned by the geography and environment of the region in which they live. The physical geography and environmental conditions of a region include climate, soil, water resources and other topographical features. These determine the settlement pattern, population spread, food products, human behavior and dietary habits of a region. The Indian subcontinent is gifted with different regions with their distinct geographical features which have greatly affected the course of its history. So, बच्चों क्या है, जब हम किसी भी स्टेट की किसी भी कंट्री की हिस्ट्री को समझने के लिए बैठते हैं तो हम तब तक उस कंट्री और उसके रीजन की हिस्ट्री नहीं समझ सकते जब तक हमें उसकी ज्योग्राफी का आइडिया ना हो। और जो किसी भी कंट्री की हिस्ट्री है, किसी भी जगह के लोगों की जो हिस्ट्री है, वो ग्रेटली कंडीशन होती है उसकी ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट जो उस रीजन का होता है जिसमें वो रहते हैं। जब फिज़िकल ज्योग्राफी और एनवायरनमेंटल कंडीशंस की हम बात करते हैं तो उसमें क्लाइमेट आ जाता है, सॉइल टाइप्स आ जाते हैं, वाटर रिसोर्सेज आ जाते हैं और दूसरे टोपोग्राफिकल फीचर्स आ जाते हैं। इसी से उनका जो सेटलमेंट टाइम होता है, पॉपुलेशन स्प्रेड होता है, फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, बिहेवियर होता है और डाइट्री हैबिट्स जो होती हैं वो डिटरमाइन की जाती हैं। और इंडियन जो सबकॉन्टिनेंट है वो अलग अलग रीजन से गिफ्टेड है जहाँ पे आपको डिस्टिंक्ट ज्योग्राफिकल फीचर्स देखने को मिलेंगे। एक जगह आपको देखेगी जो बहुत ही जहाँ पे रेन्स ज़्यादा होती है, एक आपको बिल्कुल ही ड्राई एरिया मिलेगा डेजर्ट्स वाला, आप फिर आप नॉर्दर्न प्लेन में आओगे तो वहाँ आपको मिक्स टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलेगा, ठीक है, आइदर एक्सट्रीम कोल्ड और एक्सट्रीम हॉट, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमारी जो इंडियन जो सबकॉन्टिनेंट है उसमें आपको देखने को मिलती हैं। Geographically speaking, the Indian subcontinent in ancient times included the present-day India, Bangladesh, Nepal, Bhutan and Pakistan. So, बच्चों अगर geographically बात की जाए तो जो Indian subcontinent है पुराने time में उसमें ये सारी चीज़ें आती थी, India, Bangladesh, Nepal, Bhutan और Pakistan। और इसी के basis पे geographical जो diversities हैं इस subcontinent की वो इन main regions में divided हैं। First is Himalaya, second is river plains of North India and third is the peninsular India. So, सबसे पहले हम बात करेंगे the Himalayas. Himalayas are the world's largest and the highest mountain ranges. These are approximately 2400 kilometers long. You can see in this map. यहाँ पे हम देख सकते हैं ये physical features हैं इंडिया के। These ranges have not only checked invasions but have also protected us from the cold winds coming from north. They also stop the monsoon winds from the seas which result in rainfall in northern plains. So, बच्चों जो ये हमारी हिमालय जो हैं ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट और हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस में से आते हैं। ये 2400 किलोमीटर्स लॉन्ग हैं और ये जो रेंजेस हैं ये हमें सिर्फ इन्वेजन्स के टाइम ही मदद नहीं करती थी बट इन्होंने हमें कोल्ड विंड्स जो नॉर्थ की तरफ से आती थी उससे भी प्रोटेक्ट किया है। और सो जो मॉनसून विंड्स आती हैं ये उन्हें भी रोकते हैं जिसकी वजह से नॉर्दर्न प्लेन्स में बारिशें होती हैं, ठीक है। हाउ एवर देर आर सम माउंटेन पासिस विच दो डिफ़िकल्ट हैव प्रोवाइडेड एक्सेस टू डिटरमाइन इन्वेडर्स ट्रेडर्स एंड मशीनरीज। अब कुछ माउंटेन रेंजेस ऐसी भी हैं जो डिफ़िकल्ट तो हैं बट उसकी वजह से इन्वेडर्स को, ट्रेडर्स को और मशीनरीज को एक्सेस मिला हमारे सब कॉन्टिनेंट में आने का। दीज हैव हेल्प डेवलपिंग कल्चरल कॉन्टैक्ट विद सेंट्रल एशिया, चाइना एंड तिब्बत इन एंशियंट टाइम्स। और इसकी वजह से क्या हुआ कि कल्चरल कॉन्टैक्ट जो हो पाया हमारा सेंट्रल एशिया से, चाइना से और तिब्बत से पुराने समय में। इसलिए आप देखोगे कि हमारे ही कॉन्टिनेंट में काफ़ी जो कल्चर्स हैं वो इन जगहों से बहुत मिलते हैं क्योंकि वहाँ के लोग आके यहाँ पे बस गए, चाहे वो ट्रेडिंग के लिए आए हों, कैसे भी आए हों, बट वो थोड़ी सी सिमिलैरिटी हमें देखने को मिलती है। इन द नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन द ब्रोकन हिमालयन रेंजेस कंटेन द मेजर रूट्स लिंकिंग द इंडियन प्लेन्स विद ईरान एंड सेंट्रल एशिया थ्रू अफगानिस्तान। अगर हम नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की बात करें तो कुछ ऐसी ब्रोकन हिमालयन रेंजेस हैं जिनमें कुछ ऐसे मेजर रूट्स मिलते हैं जो इंडियन प्लेन्स को ईरान और सेंट्रल एशिया से जोड़ते हैं थ्रू अफगानिस्तान। दीज पास थ्रू द गोमल, बोलान एंड खैबर पासिस।
The Greeks, Shakas, Kushasanas, Hunas and foreign tribes reached India following these routes. ये सारी जो tribes थी ये इन्हीं routes को follow करके India आई. Likewise, Buddhism and other Indian elements were carried out to Afghanistan and Central Asia through these mountain passes. ऐसे ही Buddhism और दूसरे Indian elements भी अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक पहुँचे इन्हीं माउंटेन पासिस के थ्रू. ठीक है, इसके बाद बात आती है सेकंड जो टाइप थी, द रिवर प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया. द हिमालयाज ऑल्सो प्रोवाइड इंडिया विथ थ्री रिवर सिस्टम डोमिनेटेड बाय द इंडस, द गेंज एंड द ब्रह्मपुत्रा. दीज रिवर्स मेड देयर रिस्पेक्टिव रीजन्स फर्टाइल एंड अट्रैक्टेड बोथ सेटलर्स एंड इन्वेडर्स. सो बच्चों, हिमालय ने हमें थ्री रिवर सिस्टम भी हमें प्रोवाइड किया इंडिया को, जिसमें हमारा जो डोमिनेटेड है इंडस, गेंज और ब्रह्मपुत्रा से. और यही रिवर थे जिन्होंने अपने आसपास के एरियाज़ को, अपने रीजन्स को फर्टाइल किया और जो इन्वेडर्स थे और जो सेटलर्स थे दोनों को ही अट्रैक्ट किया. इन्वेडर्स जो हमारे बाहर से आए थे और सेटलर्स जो हमारे यहीं के लोग उसके आसपास सेटल थे. द इंडस प्लेन इंक्लूड द रीजन्स ऑफ पंजाब एंड सिंध. इंडस के जो रीजन्स हैं उसमें आ जाते हैं आपका पंजाब और सिंध. इरीगेटेड बाय द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर इंडस, दे फॉर्म अ वास्ट फर्टाइल प्लेन विच हैव मेड द रीजन ब्रेड बास्केट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. और जो ये रिवर था, जो ये रीजन से जो रिवर इंडस से इरीगेट होते थे, यहाँ पर इन्होंने एक वास्ट फर्टाइल प्लेन जो था वो बनाया और जिसकी वजह से इस रीजन को ब्रेड बास्केट कहा जाने लगा पूरे सब कॉन्टिनेंट का. इट इज़ कॉल्ड सो बिकॉज दिस रीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वीट कल्टिवेशन. अगर आप आज भी देखो, इंडिया में अगर हम पंजाब की बात करें और पाकिस्तान में अगर हम सिंध की बात करें, तो यहाँ पे अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट ये रीजन्स हैं वीट कल्टिवेशन के लिए, जिसकी वजह से पूरे कंट्रीज़ में जो वीट का जो आदान प्रदान है वो होता है. The strategic location and richness of the Punjab region has attracted foreign invaders since ancient past. और strategic location जो है पंजाब region की और जो richness है वहाँ की, उसकी वजह से इस region ने foreign invaders को शुरू से ही, पुराने time से ही attract किया है. सिंध रीजन जो है वहाँ पे लोअर इंडस वैली है और डेल्टा है. तो इट इज़ द इंडस प्लेन विच विटनेस द डेवलपमेंट ऑफ एन अर्बनाइज कल्चर कॉल्ड द हड़प्पन कल्चर फॉर द फर्स्ट टाइम इन द सब कॉन्टिनेंट. तो इंडस प्लेन में ही हमने जो डेवलपमेंट देखी थी, पहली जो अर्बनाइज कल्चर हमारे शुरू में थे, जिस जो हड़प्पन कल्चर के नाम से हम जिसे जानते हैं, वो इसी सब कॉन्टिनेंट में देखा गया था. अब अगर हम गेंज की बात करें, अगर गंगा बेसिन की हम बात करें, द गंगेटिक बेसिन रिसीव मोर रेनफॉल एंड इज़ मोर ह्यूमिड देन द इंडस रीजन. यहाँ पे आपको ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिलेगा, ज़्यादा ह्यूमिडिटी देखने को मिलेगी. द गंगेटिक प्लेन्स इज़ डिवाइडेड इनटू थ्री सब रीजन्स, अपर, मिडिल एंड लोअर. तीन सब रीजन्स में डिवाइडेड है. ठीक है, द अपर प्लेन्स ऑफ द रिवर गेंज कॉन्स्टिट्यूट द वेस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश. ठीक है, जो अपर प्लेन है उसमें हमारे वेस्ट और साउथ पार्ट आ जाता है उत्तर प्रदेश का. इस रीजन में हमें एक्टिव कल्चरल डेवलपमेंट देखने को मिलती है पुराने टाइम से ही, और आर्यंस के टाइम से ही, जो लेटर वैदिक पीरियड में आर्यंस थे उसी के टाइम से यहाँ पर हमें ये सब देखने को मिलता है, ड्यूरिंग विच दे प्रैक्टिस एग्रीकल्चर, और उन्होंने ही उस टाइम में एग्रीकल्चर यहाँ पर प्रैक्टिस किया था. इसके बाद मिडिल गंगेटिक प्लेन्स में अगर हम आते हैं, वो ज़्यादा फर्टाइल है, वहाँ ज़्यादा बारिश होती है, और इसमें आपका आ जाता है ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और बिहार. आपको अभी भी पता होगा कि ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और बिहार में सबसे ज़्यादा खेती होती है, सबसे ज़्यादा किसान है वहाँ पे. इट इज़ द रीजन वेयर महाजनपद, मतलब जो टेरिटोरियल स्टेट्स होती थी जैसे कोसाला, काशी, मगध, ये इस्टेब्लिश थी 6th century में. द टू मेन रिलीजन्स ऑफ इंडिया, जैनिज्म एंड बुद्धिज़्म, वो भी यहीं से शुरू हुए थे. अब लोअर गंगेटिक प्लेन में अगर हम आएँ, तो इसमें बंगाल रीजन आ जाता है. इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है वो ब्रह्मपुत्रा से इरीगेट होता है, और हाई रेनफॉल इस रीजन में होती है, इसलिए यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट हैं, मार्शी लैंड है, जिसकी वजह से यहाँ पे सेटलमेंट्स तो शुरू में ज़्यादा नहीं हो पाई, बट इसके जो कोस्टल एरियाज थे वो एक इम्पॉर्टेंट चैनल बने दूसरे रीजन्स के साथ कम्युनिकेट करने का, और जो हमारी साउथ ईस्ट एशियन कंपनीज हैं उनके साथ जुड़ने का. तमरालीपीति एंड तमलुक वॉज एन इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट ऑफ दिस रीजन विच प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन कमर्शियल एक्टिविटीज़. तो इसी वजह से ये ट्रेडिंग में भी बहुत काम आया, और इसके जो ये तमरालीपीति और तमलुक जो इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट थे वो इस रीजन में उन्हीं की वजह से एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले हुआ कमर्शियल एक्टिविटीज़ में. ठीक है,
अब हम बात करते हैं ईस्टर्न इंडिया. द ईस्टर्न इंडिया नॉर्मली रेफर्स टू द कोस्टल प्लेन्स फॉर्म बाय द रिवर महानदी एंड अदर स्ट्रीम. द फर्टाइल कोस्टल प्लेन्स ऑफ दिस रीजन हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सोसाइटी एंड कल्चर. अब ईस्टर्न इंडिया की जब हम बात करते हैं तो बच्चों यहाँ पर ज़्यादातर जो आते हैं वो कोस्टल प्लेन्स आते हैं जो रिवर महानदी द्वारा तैयार किए गए हैं, और इसमें जो फर्टाइल कोस्टल प्लेन्स हैं जहाँ पर ज़्यादा खेती वेती हो सकती है, इसी की वजह से यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ एग्रीकल्चर का और सोसाइटी का और कल्चर का. उसी क्योंकि बच्चों जहाँ पे खेती हो पाएगी, जहाँ पे एग्रीकल्चर शुरू हो पाएगा, वहीं लोग रह भी पाएंगे, क्योंकि हर किसी को रहने के लिए खाने की ज़रूरत होती है. अब जब वो चीज़ें हमें मिलेंगी ही नहीं तो वहाँ पे सेटल होना मुश्किल हो जाता है. बट जब यहाँ पे क्योंकि फर्टाइल कोस्टल प्लेन से तो यहाँ पे एग्रीकल्चर भी बढ़ा, सोसाइटी भी बढ़ी और फिर कल्चर भी बढ़ा. दिस केम इनटू कॉन्टैक्ट विद द गंजेटी कल्चर फ्रॉम द टाइम ऑफ नंदाज एंड द मौर्याज. और ये जो ईस्टर्न इंडिया था ये गंजेटी कल्चर से कनेक्ट हुआ नंदाज और मौर्याज के टाइम पे 4th century BC. और अराउंड आफ्टर डेट 1000 उड़ीसा बिगिन टू डेवलप हर डिस्टिंक्ट लैंग्विस्टिक एंड कल्चरल आइडेंटिटी. और आफ्टर डेट 1000 उड़ीसा जो था उसने अपना ही एक लैंग्वेज आइडेंटिटी, अपनी कल्चरल आइडेंटिटी डेवलप करना शुरू किया. अब बात करते हैं वेस्टर्न इंडिया की. द वेस्टर्न इंडिया रेफर्स टू द रीजन ऑफ द मॉडर्न स्टेट्स ऑफ राजस्थान एंड गुजरात. इट इज़ नोन फॉर इट्स ब्लैक सॉइल विच इज़ गुड फॉर कॉटन कल्टिवेशन. द थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान सराउंडेड बाय द सेमी एरिड रीजन्स वॉज नॉट एज फर्टाइल एज द गंजेटिक प्लेन्स. दिस रीजन वॉज नॉट मच फेवरेबल फॉर कल्टिवेशन. However, late in the 8th century AD, with the growth of irrigation mechanism in the form of Persian wheel rihat, many settlements emerged here. So, बच्चों वेस्टर्न इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो regions आते हैं जैसे कि मॉडर्न स्टेट्स ऑफ राजस्थान एंड गुजरात, ये अपनी ब्लैक सॉइल के लिए फेमस हैं जो कॉटन कल्टिवेशन के लिए बहुत अच्छी होती है. और थार डेजर्ट जो है राजस्थान का, उसके आसपास अगर हम देखें तो सारे सेमी एरिड रीजन्स हैं जो ज़्यादा फर्टाइल नहीं हैं, जैसे कि हमारे गंजेटिक प्लेन्स हैं. तो इसकी वजह से क्या है, इस रीजन को ज़्यादा फेवरेबल नहीं माना जाता था कल्टीवेशन के लिए. लेकिन 8th century के एंड में क्या हुआ कि इरीगेशन मेकेनिज़म की ग्रोथ हुई, जो पर्शियन फॉर्म में हमारे पास आया था पर्शियन व्हील रिहात के नाम से, तो उसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी सेटलमेंट्स जो हैं वो इमर्ज हुई. राजस्थान जो है वो राजपूत क्लांस के भी घर है, और गुजरात में जो फर्टाइल प्लेन्स हैं जहाँ जो रिवर साबरमती से मिलते हैं, माही, नर्मदा और ताप्ती से मिलते हैं, उसकी वजह से भी यहाँ पे काफ़ी प्रॉस्पेरिटी आई. अ वेरी लॉन्ग कोस्टल लाइन टू हेल्प गुजरात टू डेवलप कॉन्टैक्ट विद अदर कंट्री थ्रू इट्स पोर्ट्स. और गुजरात के लिए एक बेनिफिशरी बात यह रही कि एक बहुत लॉन्ग कोस्टल लाइन गुजरात को टच करती है, जिसकी वजह से वो बाकी कंट्रीज से कॉन्टैक्ट बनाने में सफल रहे अपने पोर्ट्स के द्वारा. और जो सबसे इम्पोर्टेंट सी पोर्ट है इस रीजन में वो है बारीगू कच्छा और भरूच. इसके बाद हम बात करते हैं द पेनिनसुलर इंडिया की. India includes the Deccan Plateau and the coastal plains of South India. You can see in the map, ये हमारा Peninsular Plateau है. अभी इसमें इतना clear नहीं है, इसके left side Arabian Sea है और right side जो है वो Bay of Bengal है. The plateau is situated to the south of the Vindhya Mountains. It is divided into three major regions which largely correspond to the modern states of Maharashtra, Andhra Pradesh and Karnataka. The Northern Deccan Plateau comprises of a part of Maharashtra, a number of calcolithic sites inhabited by people using copper and stone tools have been found in this region. Karnataka includes the southwestern Deccan. This region with the availability of water and other resources had been more suitable for human settlement than northern part. The Raichur Dobe for its rice cultivation has been known as the rice bowl of South India. It has been the bone of contention between different kingdoms. These regions were inhabited right from the prehistoric times. So, बच्चों अगर Deccan Plateau की हम बात करें तो Peninsular India में Deccan Plateau आता है, जिसमें हमारे
कोस्टल प्लेन्स आते हैं और कुछ पार्ट हमारा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका का आता है। जो नॉर्दर्न डेक्कन प्लेटू है उसमें हमारे महाराष्ट्र का काफ़ी पार्ट आता है और काफ़ी ऐसी साइट्स हैं यहाँ पे जो लोगों ने इनहैबिटेट की बाय यूजिंग कॉपर एंड स्टोन टूल्स, ठीक है, वो इसी रीजन में पाए जाते हैं। और कर्नाटका की बात करें तो उसमें साउथ वेस्टर्न पार्ट जो है डेक्कन का वो आता है और इस रीजन में क्या है, वाटर की अवेलेबिलिटी अच्छी थी, दूसरे रिसोर्सेज अवेलेबल थे, तो इसलिए यहाँ पे काफ़ी ह्यूमन सेटलमेंट्स हुई। नॉर्दर्न पार्ट से ज़्यादा ये सूटेबल था सेटलमेंट्स के लिए। और यहाँ पे जो रायचूर डोब है वो राइस कल्टिवेशन के लिए फेमस है और इसीलिए उसे राइस बोल ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है। और यही बोन है डिफरेंट किंगडम्स के यहाँ पे सेटलमेंट की और यही रीजन जो थे वो इनहैबिटेड हुए प्री हिस्टोरिक टाइम से ही। प्लेटू रीजन ऑल्सो हैज हिली टेरेंस इन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स। द वेस्टर्न घाट्स राइज शार्पली क्लोज टू द वेस्टर्न कोस्ट टीपरिंग ईस्टवर्ड्स इन टू द प्लेटू। दे आर कट बाय अ सीरीज ऑफ पासिस एट जुनार, कन्हेरी एंड कार्ले। दीज सर्व्ड एज ट्रेड रूट्स फॉर कनेक्टिंग द पोर्ट्स अलॉन्ग द वेस्ट कोस्ट। At the southern end of the western ghats is the Palghat Pass, which linked the west coast to Kaveri Valley and played an important role in the Indo-Roman trade in ancient period. The eastern ghats merged more gradually into the plateau and the coastal plain. So, बच्चों plateau का कुछ region ऐसा है जहाँ पे hilly terrains हैं जो western और eastern ghat में पाया जाता है और जो western ghats हैं वहाँ पे आप अगर देखोगे तो western coast से काफ़ी close हैं और ईस्टवर्ड्स की तरफ थोड़े से टेपर्ड हैं और इसी में जो है जुनार, कन्हेरी, कार्ले ये सब को पास करते हैं वो। दीज सर्व एज अ ट्रेड रूट्स और इसी की यही जो जगहें थी इन्होंने ये ट्रेड रूट्स बने जिसने वेस्ट कोस्ट को पोर्ट से जोड़ा। एट द सदर्न एंड ऑफ वेस्टर्न घाट इज अ पालघाट और वेस्टर्न घाट का जो सदर्न एंड है अगर वहाँ की बात करें तो वो पालघाट है जो वेस्ट कोस्ट को कावेरी वैली से जोड़ता है और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था इंडो रोमन ट्रेड के लिए पुराने टाइम में। ईस्टर्न घाट जो है वो मर्ज हो जाते हैं प्लेट्यू में और कोस्टल प्लेन में। द कोस्टल प्लेन्स कॉन्स्टिट्यूट द स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु इन ईस्ट एंड केरला ऑन वेस्ट। In Tamil Nadu, the rivers are seasonal. As a result, the people of this region have depended more on the tank irrigation since the early time. So, बच्चों coastal plains की अगर बात करें तो यहाँ पर हमारी कुछ states Tamil Nadu की और east में और Kerala जो आता है west में आ जाता है। Tamil Nadu के जो rivers हैं वो seasonal होते हैं, season में ही वहाँ पर पानी आता है, तो इसी की वजह से क्या है कि पुराने time से ही यहाँ पर tank irrigation चल रही है। However, Kaveri Delta has been major region of human attraction. It provided opportunity for the cultivation of rice and witnessed the flourishing of Sangam culture in the early historical period. So, Kaveri Delta जो है ये एक major region रहा है human attraction की तरफ से क्योंकि यहाँ पे एक तो राइस कल्टीवेशन है क्योंकि प्रेजेंस ऑफ वाटर है तो कल्टीवेशन ऑफ राइस ईजिली यहाँ पे अपॉर्चुनिटी थी उसकी, इसी की वजह से यहाँ पे जो सेटलमेंट्स हैं वो हुई। प्लस जो संगम कल्चर है वो यहीं से फ्लरिश हुआ था प्री हिस्टोरिकल टाइम में। द पोर्ट सचेस आरिकमेदु और कावेरी पट्टिनम गेव इम्पिटस टू द इंडो रोमन ट्रेड इन अर्ली सेंचुरीज ऑफ क्रिश्चियन एरा। और यहाँ पे जो पोर्ट्स हैं जैसे कि आरिकमेदु है, कावेरी पट्टिनम है, इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया इंडो रोमन ट्रेड में अर्ली सेंचुरीज में जब क्रिश्चियन एरा था। द तमिल रीजन इवॉल्व अ डिस्टिंक्ट लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ इट्स ओन। और फिर ये जो तमिल रीजन था पूरा ये इवॉल्व हुआ एक डिस्टिंक्ट लिंग्विस्टिक और कल्चरल आइडेंटिटी में। अब इन्हीं जहाँ तक हमने पढ़ा है उसी के बेसिस पे आप इन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढेंगे। अब इसके बाद हम आ जाते हैं द ज्योग्राफिकल सेटिंग एंड प्री हिस्टोरिक पे जिसमें हम बात करेंगे इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट की। द सेटलमेंट ऑफ पीपल इन एनी रीजन इज़ वेरी मच डिपेंडेंट ऑन इट्स एनवायरमेंटल कंडीशन। एनवायरमेंट इज टेकन एज अ सराउंडिंग्स और कंडीशन इन विच वेरियस स्पीशीज लाइक मैन, एनिमल एंड प्लांट एग्जिस्ट एंड फंक्शन। द एनवायरमेंट मेनली कंप्राइजेज ऑफ एलिमेंट्स सच एज क्लाइमेट, लैंडस्केप, रिवर्स, स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, फ्लोरा एंड फौना। Now let us see how environment has influenced the life of people and their history since ancient past. So, जो settlement होती है लोगों की किसी भी region में वो बहुत ज़्यादा dependent होती है उसकी environmental condition से।
और एनवायरनमेंट जो है वो उसमें क्या आता है, उसमें आती है सराउंडिंग्स और कंडीशन इन विच दीज स्पीशीज लाइक मैन एनिमल प्लांट एग्जिस्ट एंड फंक्शन. द एनवायरनमेंट मेनली कंप्राइजेज ऑफ एलिमेंट्स सच एज क्लाइमेट, मतलब इसमें एनवायरनमेंट के अंडर क्या क्या आता है, क्लाइमेट आता है, लैंडस्केप आता है, रिवर्स आते हैं, प्लांट एंड एनिमल की स्पीशीज़ आती हैं जिसे हम फ्लोरा एंड फौना के नाम से जानते हैं. तो अब आइए हम देखते हैं कि एनवायरनमेंट कैसे लोगों की ज़िंदगी लाइफ और हिस्ट्री को पुराने समय से ही इन्फ्लुएंस करता आ रहा है. अ सेमी एरिड रीजन इज़ एडवांटेजेस टू पीपल फॉर सेटलमेंट पर्पस. For example, the Sindh region having this type of climate in ancient period resulted in the flourishing Harappan civilization. It also helped the growth of urban settlement. Similarly, the rise of Pataliputra and the importance of Magadha in Bihar can also be explained in relation to its physical features and environment. Pataliputra was surrounded by the rivers namely the Ganges, Son and Gandak, which provided natural defense as well as internal communication. Moreover, the fertile Indo-Gangetic plains helped in the maintenance of a strong population base. So, जो सेमी एरिड रीजन होते हैं वो सेटलमेंट purpose के लिए काफ़ी advantages होते हैं, जैसे कि सिंध रीजन जो था इसी तरह का क्लाइमेट वहाँ पर पाया जाता था पुराने टाइम में, और वहीं पर जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन फ्लरिश हुई और ये इसने अर्बन सेटलमेंट्स की ग्रोथ में भी हेल्प की. सिमिलरली जो पाटलिपुत्र का जो राइज हुआ था और जो इम्पोर्टेंस है मगध की बिहार में, वो भी इस रिलेशन को एक्सप्लेन करता है बहुत अच्छे से उसके फिजिकल और एनवायरनमेंट के बारे में. पाटलिपुत्र जो है वो सराउंडेड है रिवर से, जैसे कि गेंज, सोन और गंदक से, जो एक नेचुरल डिफेंस देते हैं और एक इंटरनल कम्युनिकेशन रहती है. मोर ओवर द फर्टाइल इंडो गैंजेटिक प्लेन हेल्प द मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग पॉपुलेशन बेस. और जो इंडो गैंजेटिक प्लेन्स हैं वो काफ़ी फर्टाइल हैं, उन्होंने भी हेल्प की स्ट्रॉन्ग पॉपुलेशन बेस को मेंटेन करने में. द एनवायरमेंटल कंडीशंस आल्सो डिटरमाइन द रिसोर्स पोटेंशियल ऑफ अ रीजन. द फॉरेस्टेड रीजन कैन बी अ रिसोर्स ऑफ टिम्बर, वेयर एज द कोस्टल रीजन यील्ड द सी प्रोडक्ट्स. द हिली रीजन्स विद द रॉक्स कंटेनिंग द मिनरल ओर्स कैन लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ मेटलर्जी. The extraction of metals and their use for tools and other purpose may add to the standard of living. For example, Magadh was located in the proximity of to the iron ore mines and source of stones and timber in the region of Chota Nagpur Plateau. This strengthened the position of Magadh. So, bacho, jo environmental conditions hoti hain kisi bhi region ki, वो ये भी डिटरमाइन करती हैं कि वहाँ पे रिसोर्स पोटेंशियल कितना है, मतलब कि वहाँ से हमें किस प्रकार के रिसोर्सेज प्रोवाइड हो सकते हैं और कितनी मात्रा में प्रोवाइड हो सकते हैं. जैसे कि अगर फॉरेस्टेड रीजन होगा तो वो हमें टिम्बर दे सकता है, वो रिसोर्स हो सकता है टिम्बर का, ठीक है. अगर कोस्टल रीजन की बात करें वहाँ से हमें सी प्रोडक्ट्स आसानी से मिल सकते हैं. हिली रीजन्स की बात करें तो रॉक्स, मिनरल ओर्स, ये सब हमें आसानी से मिल सकते हैं, ठीक है. और मेटल्स के एक्सट्रैक्शन से जो टूल्स वगैरह बनते हैं वो भी एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में एक पर्पस ऐड करते हैं. जैसे कि अगर हम मगध का एग्जांपल देखें, मगध की जो लोकेशन है वो ऐसी जगह पे है जहाँ पे आयरन ओर माइंस उसके प्रॉक्सिमिटी में है, स्टोन और टिम्बर के जो हैं सोर्सेज हैं इस रीजन में जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है, तो इसी की वजह से मगध की जो पोजिशन है वो स्ट्रेंथन हुई है. द सब्सिस्टेंस पैटर्न इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनवायरमेंटल कंडीशंस. The regions covered by the river plains have alluvial soil. The fertility of soil helps in surplus production. The type of soil also determines the crop pattern. For example, black soil is good for growing cotton. The surplus production results in exchange activities which develop into trade on a larger scale. So, बच्चों ये जो pattern होता है ये भी environmental conditions से हमारा influence होता है, ठीक है. जो रीजन्स होते हैं जो इनमें रिवर प्लेन्स होते हैं, यहाँ पे एल्यूवियल सॉइल होती है. एल्यूवियल सॉइल क्या होती है? एल्यूवियल सॉइल बच्चों वो सॉइल होती है जो पानी के साथ बह के आती है और सरफेस पे जम जाती है. ये लाइट और पोरस होती है और काफ़ी फर्टाइल होती है, क्योंकि इसमें जो पोटेशियम है और लाइम है उसकी मात्रा ज़्यादा होती है और मिनरल रिच होती है ये सॉइल. तो इसी की वजह से इसकी फर्टिलिटी अच्छी होती है और इसी की वजह से सरप्लस होता है प्रोडक्शन में. टाइप ऑफ सॉइल हमारी क्रॉप पैटर्न को भी डिटरमाइन करती है. जैसे कि ब्लैक सॉइल जो है वो कॉटन कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छी है. सरप्लस प्रोडक्शन रिजल्ट्स इन एक्सचेंज एक्टिविटीज़ विद डेवलप इनटू ट्रेड ऑन अ लार्जर स्केल. अब अगर हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो हम लार्ज स्केल पर ट्रेड भी कर पाएंगे, तो ये एक्टिविटीज़ हमारी हमारे प्रोडक्शन पर ही डिपेंड करती हैं.
An area gifted with navigable rivers has well-developed trade and communication networks. Our ancient literature, like the Jatakas and other texts, mention many riverine routes in ancient India. Similarly, the coastal routes promote the long-distance trade with different countries. The mountain passes are also very important in this context. For example, the Palghat Pass linked the east and west coasts and thus helped in the growth of Indo-Roman trade in ancient times. So, बच्चों ये जो एरिया है ये गिफ्टेड है नेविगेबल रिवर्स से, जिनकी वजह से ट्रेड और कम्युनिकेशन नेटवर्क अच्छे हुए हैं, डेवलप हुए हैं. और जो एंशियंट लिटरेचर है जैसे कि जटाकाज और ऐसे ही जो दूसरे टेक्स्ट हैं, वो इन रिवराइन रूट्स को एंशियंट इंडिया में भी मेंशन करते हैं. ऐसे ही जो हमारे कोस्टल रूट्स हैं वो हमें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड को प्रमोट करते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ. माउंटेन पासेस जो हैं वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सेम कंटेक्स्ट में, जैसे कि पालघाट का हमने डिस्कस किया था जो ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट से लिंक्ड है और हेल्प करता है इंडो रोमन ट्रेड, पुराने टाइम से ही हेल्प करता आ रहा है. दस वी फाइंड द फिजिकल फीचर्स एंड एनवायरमेंट हेल्प अस टू अनफोल्ड द हिस्टोरिकल प्रोसेसेस ऑफ अ रीजन. द डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट प्रेजेंट्स एन अनइवन पैटर्न ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स. दीज एरियाज विद वेयर रिच बिकेम इम्पॉर्टेंट वाइल दोज विद लेस रिसोर्सेज लैग बिहाइंड. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ऑब्जर्व दैट द सेटलमेंट पैटर्न एंड मोड ऑफ लाइफ डिपेंड ऑन द लोकल रिसोर्स यूटिलाइजेशन विच इन टर्न इज डिपेंडेंट ऑन द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स इन दैट रीजन. सो बच्चों इससे हमें ये पता चलता है कि जो फिज़िकल फीचर्स और एनवायरनमेंट होता है वो हिस्टोरिकल प्रोसेस को जानने में बहुत मदद करता है किसी भी रीजन की, ठीक है. और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है उससे एक अनइवन पैटर्न हमें दिखता है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स में. इससे क्या है कि जिन लोगों के पास अच्छे रिसोर्सेज थे, जो रिच थे, जिनके पास जगहें थी, वो तो इम्पॉर्टेंट बन गए, लेकिन जिनके पास रिसोर्सेज कम थे वो पीछे रह गए. तो ये इम्पॉर्टेंट है कि जब हम सेटलमेंट किसी भी जगह का जो सेटलमेंट पैटर्न होता है और जो मोड ऑफ लाइफ होती है वो डिपेंडेंट होती है लोकल रिसोर्स यूटिलाइजेशन पे, और जो अगेन डिपेंडेंट होती है जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट उस रीजन में हो रही है उस पे. अभी दो क्वेश्चंस हैं, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आप जो हमने अभी तक पढ़ा है उसके बेसिस पे सॉल्व करेंगे. इसके बाद हम आ जाते हैं प्री हिस्टोरिक कल्चर्स पे. प्री हिस्टोरिक पीरियड इज दैट पीरियड ऑफ आर एंशियंट पास्ट फॉर विच वी डू नॉट हैव रिटन रिकॉर्ड्स. तो बच्चों प्री हिस्टोरिक पीरियड वो पीरियड है जहाँ पे हमारे पुराने समय का जिसके हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स नहीं हैं. तो उसकी जो हमें जो नॉलेज मिलती है कल्चर्स की वो डेवलप हुई है सिर्फ जो हमें मटेरियल्स आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन के थ्रू मिले हैं, ठीक है. उन्हीं चीज़ों से हम जान पाए हैं कि कैसा हमारा एंशियंट प्री हिस्टोरिक पीरियड रहा होगा. अर्लीस्ट मैन लिविंग ड्यूरिंग दिस पीरियड मेड टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स ऑफ स्टोन फाउंड इन हिज सराउंडिंग. दिस टूल्स हेल्प्ड हिम टू हंट एंड गैदर फूड इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई हिज हंगर. सिंस द अर्लीस्ट टूल यूज बाई ह्यूमंस वर मेड ऑफ स्टोन, दिस फेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज नोन एज स्टोन एज. In this lesson, we shall trace the evolution of prehistoric man from a hunter and food gatherer to a food producer. So, बच्चों जो earliest man जो जिया है इस period में prehistoric period में जिसके हमारे पास कोई written records भी नहीं है, उसके जो tools वगैरह उसने use किए वो stones द्वारा बनाए जाते थे और इन्हीं tools की help से वो hunt करते थे, food gather करते थे अपने hunger को satisfy करने के लिए, ठीक है. तो और जो सबसे पुराने टूल्स हमें देखने को मिलते हैं वो सब स्टोन्स से बने हुए हैं, तो इसीलिए इस फेज को हम स्टोन एज कहते हैं. सो बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टोन एज क्यों कहलाती थी, ये जो प्री हिस्टोरिक टाइम था, इस लेसन में हम यही एवोल्यूशन पढ़ेंगे प्री हिस्टोरिक मैन जो हंटर और फूड गैदरर से कैसे फूड प्रोड्यूसर बना, ठीक है. और ये जो चेंज हुआ है ये ऑल ऑफ अ सडन नहीं हुआ है, इसमें काफ़ी टाइम लगा है. ग्रेजुअली जो ह्यूमन बींग्स हैं वो डेवलप हुए हैं और इसी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स और टेक्निक्स की बेसिस पे जो ह्यूमन डेवलपमेंट है प्री हिस्टोरिक टाइम की, उसे थ्री एजेस में डिस्क्राइब किया गया है. फर्स्ट इज़ पैलियोलिथिक, जिसको हम ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं. सेकंड इज़ मेसोलिथिक, जिसे मिडिल एज भी कहा जाता है. और थर्ड इज़ नियोलिथिक, जिसे न्यू स्टोन एज कहा जाता है. हम पैलियोलिथिक एज के बारे में पढ़ेंगे. The term Paleolithic is derived from the Greek word paleo, which means old, and lithic means stone. Therefore, the term Paleolithic age refers to the old stone age. The archaeologists have dated this culture to the Pleistocene period, about 2 million years ago.
The Pleistocene period is a geological period of the age when the Earth's surface was covered with ice and weather was so cold that human or plant life could not survive. But in the tropical region where ice melted, the earliest species of man could exist. So, बच्चों जो paleolithic word है, ये जो derive हुआ है Greek word paleo से, इसका मतलब होता है old and lithic का मतलब होता है stone. तो इसका टर्म का मतलब होता है पैलियोलिथिक एज का ओल्ड स्टोन एज. जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने इस कल्चर को प्लीस्टोसीन पीरियड कहा है और इसको 2 million years ago ये पीरियड हमारा था. ये एक ऐसा जियोलॉजिकल पीरियड है जिसमें जो अर्थ का सरफेस था वो कवर्ड था आइस से और वेदर इतना ज़्यादा कोल्ड था कि उसमें ह्यूमंस और प्लांट सर्वाइव कर ही नहीं सकते थे. बट जो ट्रॉपिकल रीजन्स थे वहाँ पे आइस मेल्ट हो चुकी थी, तो ये यहाँ का जो थोड़ा एटमॉस्फेयर था, एनवायरनमेंट था, वो ऐसा था कि वहाँ पे अर्ली स्पीशीज़ जो थी मैन की एग्जिस्ट कर पाई. द पीपल लिव नियर द हिलॉक्स एंड यूज ओनली स्टोन टूल्स फॉर हंटिंग एंड देयर प्रोटेक्शन. हाउएवर द चॉइस ऑफ रॉ मटेरियल यूज फॉर टूल मेकिंग वेरीड फ्रॉम रीजन टू रीजन एंड डिपेंडेड अपॉन इट्स अवेलेबिलिटी. जो हिल्स के हिलॉक्स के पास जो लोग रहते थे वो सिर्फ स्टोन यूज़ करते थे, स्टोन टूल्स यूज़ करते थे अपने प्रोटेक्शन और हंटिंग के लिए. लेकिन जो चॉइस ऑफ रॉ मटेरियल थी वो रीजन टू रीजन वेरी कर रही थी डिपेंडेंट अपॉन द अवेलेबिलिटी. वहाँ जिस तरह के की जो रॉ मटेरियल था वो अवेलेबल था उसी के हिसाब से जो टूल्स होते थे वो बनाए जाते थे. द मटेरियल यूज्ड फॉर क्वार्ट्ज़ाइट अवेलेबल इन हिली एरियाज़ ऑफ डिफरेंट रीजन. Basalt found in Maharashtra region and limestone in Karnataka region. On the basis of the nature of progress made in tools types and techniques, the Paleolithic culture have been divided into 3 phases. These are lower or early Paleolithic, middle Paleolithic and upper or late Paleolithic. These phases covered a long period ranging broadly from 5 lakh to 10,000 BC. अलग जगहों के हिसाब से अलग अलग मटेरियल यूज़ होता था इन टूल्स एंड टेक्निक्स के लिए. अगर हम हिली एरियाज़ की बात करें तो वहाँ क्वार्ट्ज़ाइट नाम का मटेरियल यूज़ होता था. महाराष्ट्र रीजन की बात करें तो वहाँ बसाल्ट यूज़ होता था और कर्नाटका में लाइमस्टोन यूज़ होता था. और इसी जो ये टूल्स और टाइप्स में टेक्निक्स में जो प्रोग्रेस आई उसी के बेसिस पे पैलियोलिथिक एज जो है वो आगे 3 phases में डिवाइडेड है जो मैंने आपको अभी पढ़ के बताया. अब हम बात करेंगे टूल्स ऑफ पैलियोलिथिक पीरियड. इस पीरियड में जो हमें टूल्स प्राप्त हुए वो उसके बारे में हम बात करेंगे. द मेन टूल्स ऑफ लोअर पैलियोलिथिक फेज वर हैंड एक्सेस, क्लीवर्स एंड चॉपर्स. दीज आर कॉल्ड चॉपिंग टूल्स. दीज वर रफ एंड हैवी एंड वर मेड बाय चिपिंग द साइड ऑफ स्टोन्स. ग्रेजुअली शार्पर एंड लेस हैवी टूल्स केम टू बी मेड. सो पैलियोलिथिक फेज में जो लोअर पैलियोलिथिक फेज था, जो फर्स्ट फेज था इसका, उसमें जो टूल्स हमें देखने को मिलते हैं उसमें हैंड एक्सेस देखने को मिलते हैं, क्लीवर्स देखने को मिलते हैं और चॉपर्स देखने को मिलते हैं. इन्हें चॉपिंग टूल्स कहा जाता है. यहाँ पे हम देख लेते हैं फिगर में, ये आप देख रहे हो इसमें स्टोन्स की साइड्स को शार्प किया गया है साइड से चिप करके. सो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा ये जो टूल्स हैं इनमें चेंज आया. शार्पर और लेस हैवी टूल्स यूज़ होने शुरू हो गए. ये बहुत हैवी हुआ करते थे. द फ्लेक टूल्स और चिप पीसेज वर द चीफ टूल्स ड्यूरिंग द मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड. द टूल्स ऑफ द अपर पैलियोलिथिक पीरियड प्राइमरली कंसिस्ट ऑफ बोरेंस एंड स्क्रैपर्स. सो ये जो है हमारे चॉपिंग टूल्स एंड हैंड एक्सेस, ये लोअर पैलियोलिथिक टाइम के टूल्स हैं. और ये हमारे जो हैं ये अपर पैलियोलिथिक टाइम के टूल्स हैं. सो आप देख रहे हो कि सबसे पहले ये थे. इसमें इतना ज़्यादा ना तो हमें शार्पनेस नज़र आ रही है ना ही ये थोड़े ऐसे ही लग रहा है कि बड़े बड़े स्टोन्स हैं जिनको हल्का फुल्का सा काव किया गया है. इसके बाद ये थोड़ा चेंज हुआ एंड देन ये हमारे फाइनल वाले जो लास्ट फेज था पैलियोलिथिक एज का. इट इज़ नाउ डिस्कस इन ब्रीफ द चीफ फीचर्स एंड यूजेस ऑफ सम ऑफ द टूल्स मेंशन अबव. इन सो बच्चों अब हम क्या करेंगे, ये जो टूल्स हमने डिस्कस किए हैं इनको हम थोड़ा ब्रीफली इनके फीचर्स डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हैंड एक्स की बात करते हैं. हैंड एक्स जो होता है इसका जो बट एंड होता है वो ब्रॉड होता है और वर्किंग एज नैरो होता है. यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ बना होगा.
ये देखो, ये जो जो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला है, इसमें आप देखो पीछे से जो है वो थोड़ा ब्रॉड है और आगे से जो है वो नैरो है। सो ये जो हैंड एक्सेस हैं, ये जो यूज़ होते हैं ये ट्रीज़ को कट करने और रूट्स को डिक करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद आते हैं क्लीवर्स। क्लीवर्स आपको यहाँ देखने को अगर मिलें तो ये फिफ्थ वाला जो है, आप इसको कह सकते हैं क्लीवर है। इसमें क्या होता है, बाई फेस होता है, दो साइड से इसमें शार्पनेस होती है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट्स को स्प्लिट करने के काम आते हैं, जैसे कि ट्री से अगर हमें ट्रंक्स को स्प्लिट करना होता है तो उसके लिए काम आते हैं। इसके बाद है चॉपर्स। चॉपर जो होते हैं कोर टूल्स होते हैं, ठीक है। जैसे ये जो आप 4 एंड 7 देख सकते हो, ये चॉपर्स होते हैं, ठीक है। यूनिफेशियल वर्किंग एज होता है और ये चॉपिंग पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं। बर्निंग जो होते हैं वो फ्लेक और ब्लेड्स होते हैं। ये आप नीचे वाला देखो, लास्ट लाइन, ये जो होते हैं ये किसी भी चीज़ को एनग्रेव करने में यूज़ होते हैं, जैसे बोन्स, सॉफ्ट स्टोन्स, रॉक्स को। स्क्रैपर जो होते हैं वो भी फ्लेक से ही बने होते हैं और ये होते हैं टूल्स। जो टूल्स होते हैं ये ट्रीज से बाग्स अलग करने के लिए, एनिमल्स से स्किन अलग करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, पैलियोलिथिक साइट में जो थी उसके बारे में बात करने के लिए। द ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैलियोलिथिक साइट सजेस्ट दैट दिस कल्चर वॉज स्प्रेड थ्रू आउट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। यहाँ आप देख सकते हो ये पूरा जो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, यहीं पर हमें पैलियोलिथिक साइट्स देखने को मिलती हैं। इन द नॉर्थ कश्मीर वैली एंड द सोहन वैली इन रावलपिंडी दैट इज़ नाउ इन पाकिस्तान हैव यील्डेड पैलियोलिथिक टूल्स। जब आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस में पैलियोलिथिक टूल्स पाए गए हैं, वो एक तो हमें नॉर्थ कश्मीर वैली की तरफ मिले हैं और बाकी मिले हैं सोहन वैली की तरफ, जो अब रावलपिंडी पाकिस्तान में है। इसके अलावा राजस्थान में भी कुछ पैलियोलिथिक टूल्स पाए गए हैं, वो जो रिवर लोनी है उसके आसपास की जो साइट्स हैं वहाँ से प्राप्त हुए हैं। वेस्टर्न इंडिया की अगर बात करें तो वहाँ से भी हमें कुछ पैलियोलिथिक टूल्स मिलते हैं, जो रिवर साबरमती, माही और उसकी गुजरात की जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसके आसपास हमें देखने को मिलते हैं। महाराष्ट्र में जो सबसे इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं वो है नवासा और गोदावरी और पाटने की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, और इसके अलावा मध्य प्रदेश में हमें रॉक शेल्टर्स देखने को मिलते हैं भीमबेटका नेपाल के पास, और आदमगढ़ में होशंगाबाद में, यहाँ से भी हमें पैलियोलिथिक टूल्स और मेसोलिथिक टूल्स भी मिले हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो बिलान वैली, जो कि अब इलाहाबाद से वाराणसी का एरिया है, वो सबसे प्रोमिनेंट साइट रही है पैलियोलिथिक एज के लिए। यहाँ पे ह्यूमन ऑक्यूपेशन जो था वो इट शोज ह्यूमन ऑक्यूपेशन ऑफ द एरिया कॉन्टीन्यूसली फ्रॉम द पैलियोलिथिक पीरियड। और यहाँ पे जो ह्यूमन ऑक्यूपेशन है उस एरिया की, वो कॉन्टीन्यूसली पैलियोलिथिक पीरियड के टाइम से ही चली आ रही है। टुवर्ड्स द ईस्ट, अगर ईस्ट की बात करें तो असम और उसकी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, जिसमें मेघालय, जो गारो हिल्स हैं जहाँ पे, यहाँ से प्री हिस्टोरिक हमें आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं। पैलियोलिथिक टूल्स भी हमें यहाँ पे कुछ बंगाल, उड़ीसा और बिहार के साइट्स में मिले हैं। पेनिनसुलर इंडिया की बात करें तो वहाँ पे हमें आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में पैलियोलिथिक टूल्स पाए गए हैं। तमिलनाडु भी एक इंपॉर्टेंट साइट है इसके लिए। द सब्सिस्टेंस ऑफ पैलियोलिथिक कल्चर वॉज बेस्ड मेनली ऑन हंटिंग एनिमल्स एंड गैदरिंग फ्रूट्स एंड रूट्स। पैलियोलिथिक कल्चर में जो लोग थे उनका मेन जो काम होता था वो हंटिंग और फूड गैदर करना ही था। अगर दूसरी लैंग्वेज में कहा जाए तो ये यही था कि सरल शब्दों में अगर हम बात करें कि जो लोग थे वो प्राइमरीली हंटर्स और गैदरर्स ही थे, कोई सेटल्ड हैबिटेशन वहाँ पे नहीं थी। ऑन द बेसिस ऑफ अवर डिस्कशन वी कैन कंक्लूड दैट द पैलियोलिथिक कल्चर्स ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड वर वाइड स्प्रेड थ्रू आउट द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पैलियोलिथिक कल्चर था प्री हिस्टोरिक पीरियड का, वो वाइड स्प्रेड था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और ये टूल्स ग्रेजुअल प्रोग्रेस दिखाते हैं उनकी टूल टेक्नोलॉजी की, जिसकी वजह से बेटर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज उनको हो पाया। सब्सिस्टेंस पैटर्न, द पैलियोलिथिक पीपल प्रैक्टिस हंटिंग एंड फूड गैदरिंग फॉर देयर सब्सिस्टेंस। दे मेड सिंपल स्टोन टूल्स फॉर हंटिंग, कटिंग, डिगिंग एंड अदर पर्पसेस। They led a nomadic life and migrated to places where plant and animal resources along with water were easily available. So, बच्चों जब हम पैलियोलिथिक लोगों के बारे में समझते हैं तो हमें ये समझ आता है कि वो हंटिंग और फूड गैदरिंग ही उनका मेन पर्पस था, ठीक है। और उन्होंने सिंपल स्टोन टूल्स बनाए जिससे वो हंट कर सकें, कट कर सकें, डिग कर सकें और दूसरे पर्पसेस के लिए। उन्होंने नोमैडिक वाली लाइफ जी, मतलब कोई उनका एक परमानेंट सेटल्ड प्लान नहीं होता था, जहाँ उन्हें प्लांट और एनिमल रिसोर्सेज अच्छे मिलते थे पानी के साथ, वो वहाँ चले जाते थे।
इसके बाद आती है मीज़ोलिथिक एज, मीज़ोलिथिक कल्चर्स के बारे में हम बात करेंगे। द टर्म मीज़ोलिथिक इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, मीज़ो एंड लिथिक। इन ग्रीक मीज़ो मीन्स मिडल एंड लिथिक मीन्स स्टोन, दैट मीन्स मीज़ोलिथिक स्टोन एज। ये भी प्री हिस्ट्री के टाइम का ही पार्ट है जिसे मिडल स्टोन एज कहा जाता है। ये एक ट्रांजिशनल फेज था पैरोलिथिक और नियोलिथिक एज के बीच का। ऑन द बेसिस ऑफ आर्कोलॉजिकल डिस्कवरीज, ये जो बिगनिंग थी मीज़ोलिथिक एज की इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 10,000 BC के अराउंड हुई थी। ये जो पीरियड है इसमें टेम्परेचर बढ़ा जिसकी वजह से क्लाइमेट वार्म हुआ थोड़ा, चेंजेस जो आगे आइस और मेल्ट हुई, ठीक है, और फ्लोरा एंड फौना में भी कुछ चेंजेस आए, मतलब कि एनिमल एंड प्लांट स्पीशीज में। मैन जो था वो अभी भी हंटिंग और फूड ही गैदर कर रहा था, बट अब उसने फिशिंग, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स ये सब भी शुरू कर दिया था। द मेन टूल्स दे यूज आर कॉल्ड माइक्रोलिथ्स और स्मॉल स्टोन टूल्स। द रॉक पेंटिंग फाउंड एट भीमबेटका, भोपाल के पास एक जगह है भीमबेटका, वहाँ से कुछ रॉक पेंटिंग्स प्राप्त हुई हैं जिसकी वजह से हमें उनकी आर्टिस्टिक टेस्ट का भी पता लगता है। Tools of the Mesolithic period. The microliths used during the Mesolithic period were very small in size, varying the length of 1 to 8 cm, and were largely made out of chipped or flake pieces. Some of these tools have geometric forms such as triangle, lunettes and trapezes. Their tools could be tied or fixed in another object to form an arrow or a spear. So, बच्चों जब हम मीज़ोलिथिक एज में आए तो हमें चेंजेस कहाँ देखने को मिले, एक तो टूल्स में चेंजेस आ गए। जैसे कि हमने देखा था पहले तो वो बड़े बड़े टूल्स होते थे, अब इनके टूल्स जो थे काफ़ी छोटे साइज़ में होने लगे और 1 to 8 cm तक के ही होते थे, जिसे हम किसी दूसरे एरो या स्पेयर में जोड़ कर भी यूज़ कर सकते हैं। और ज़्यादातर इनकी ज्योमेट्रिक फॉर्म्स होती हैं इनकी टूल्स की। ये देखो यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रायंगल है, ट्रेपेज़ॉइड है, ये थोड़ा क्लियर नहीं है, अगर बुक होती तो मैं और ज़्यादा क्लियर आपको समझा पाती, बट हम इमेज से पता लगा सकते हैं कि टूल्स का साइज इतना ज़्यादा बड़ा नहीं था इस टाइम पे। ठीक है, अब इसके ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीज़ोलिथिक साइट्स इंडिकेट दैट मीज़ोलिथिक कल्चर कवर्ड ऑलमोस्ट एंटायर इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट। तो बच्चों इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उससे पता चलता है कि मीज़ोलिथिक साइट्स जो हैं पूरे इंडिया को कवर करती हैं, चाहे आप ईस्ट से वेस्ट चले जाओ या नॉर्थ से साउथ। इंपॉर्टेंट साइट्स जो उसकी हैं वो है लंगनाज मेहसाना गुजरात में, भीमबेटका भोपाल में, मध्य प्रदेश में चुपानी मांडो अलाहाबाद में, और उत्तर प्रदेश में बिरभानपुर बुडवान वेस्ट बंगाल में, और संगनकल्लू कर्नाटका में, और तूतीकोरिन तमिलनाडु में। तो यहाँ पे हमें ये सारे इंपॉर्टेंट साइट्स हैं मीज़ोलिथिक एज की। सबसिस्टेंस पैटर्न, द मीज़ोलिथिक पीपल स्टिल सबसिस्टेड ऑन हंटिंग एंड गैदरिंग, बट नाउ देयर वॉज अ शिफ्ट इन द पैटर्न ऑफ हंटिंग फ्रॉम द बिग एनिमल्स इन द पैलियोलिथिक पीरियड टू द स्मॉलर एनिमल विच वुड बी अटैक्ड विद द हेल्प ऑफ बोज एंड एरोज। इन एडिशन टू दिस फिशिंग एंड फॉलिंग ऑल्सो बिकेम इम्पॉर्टेंट। द फॉनल रिमेन्स ऑफ कैटल, चीप, गोट, बफेलो, पिग, रैट, बिसॉन, हिपो, डॉग, फॉक्स, लिजर, टॉर्टोइस एंड फिश एक्सेट्रा हैव बीन फाउंड फ्रॉम डिफरेंट मीज़ोलिथिक साइट्स। तो बच्चों मीज़ोलिथिक पीपल जो थे वो अभी भी हंटिंग और गैदरिंग करते थे, बट अब उनका थोड़ा सा पैटर्न शिफ्ट हो गया था। पहले वो बिग एनिमल्स की हंटिंग करते थे पैलियोलिथिक पीरियड में, बट अब वो स्मॉलर एनिमल्स पे आ गए थे जिनको अटैक किया जा सकता था बोल और एरोज के थ्रू। इसके साथ साथ फिशिंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन गई थी। फॉनल रिमेन्स, मतलब जो मीज़ोलिथिक साइट्स हैं वहाँ से फॉनल रिमेन्स मिलते हैं, जैसे शीप, गोट, बफेलो, पिग, रैट, बिसॉन। तो उससे पता चलता है कि डोमेस्टिकेशन भी उन लोगों ने शुरू कर दी थी। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो अभी तक हमने पढ़ा है, उसके बेसिस पे आप इनके आंसर दोगे। इसके बाद आते हैं हम न्योलिथिक एज पे, जो हमारी लास्ट फेज था प्री हिस्टोरिकल पीरियड का। द न्योलिथिक कल्चर्स एंड द एडवेंट ऑफ द फूड प्रोडक्शन। द लास्ट फेज ऑफ प्री हिस्ट्री इज टर्म्ड एज न्योलिथिक। द टर्म न्योलिथिक इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड न्यो विच मीन्स न्यू एंड लिथिक मीन्स स्टोन, दस टर्म एज न्यू स्टोन एज ऑफ ह्यूमन कल्चर। इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट इट इज डेटेड बैक टू अराउंड 8,000 BC। द टर्म न्योलिथिक वॉज कॉइंड बाय जॉन लुबॉग। द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस एज वॉज अ न्यू टाइप ऑफ ग्राउंड एंड पॉलिश स्टोन टूल। दिस पीरियड ऑल्सो मार्क द बिगनिंग ऑफ कल्टिवेशन एंड प्लांट्स of plants and domestication of animals. It led to the beginning of settled life and the growth of village settlements. The Neolithic culture had following characteristics. So, बच्चों ये हमारा last phase था prehistory का, और इस
ये जो हमारे इसके जो चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस एज के, वो ग्राउंड और पॉलिश स्टोन टूल्स हमें मिलने लगे थे, ठीक है। और इसमें ही हमारी कल्टीवेशन शुरू हो गई थी प्लांट्स की, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स भी हो रहा था, ठीक है, जो कि मेसोलिथिक से ही शुरू हो गया था, बट यहाँ पे थोड़ा और ज़्यादा प्रोमिनेंटली हो रहा था। इसके बाद सेटल लाइफ की बिगिनिंग भी यहीं से हुई, विलेज सेटलमेंट की ग्रोथ भी यहीं से हुई। ये जो न्योलिथिक कल्चर है इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ की शुरुआत हुई, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल हुई, ग्राइंडिंग और पॉलिशन स्टोन टूल्स आने लगे शार्पर एज के साथ, पॉटरी शुरू हो गई है। मीनिंग ऑफ द न्योलिथिक रेवोल्यूशन, समटाइम्स दिस पीरियड इज टर्म एज द न्योलिथिक रेवोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ इम्पॉर्टेंट चेंजेस इन मैन सोशियो इकोनॉमिक लाइफ। इस पीरियड को कुछ लोग न्योलिथिक रिवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए मैन्स के सोशो इकोनॉमिक लाइफ में। द यूज़ ऑफ शार्प एंड पॉलिश न्योलिथिक टूल्स मेड इट ईजियर टू कल्टिवेट द सॉइल, क्योंकि ये वाला जो फेस था इसमें शार्प और पॉलिश टूल्स यूज़ होने लगे थे, इसकी वजह से कल्टिवेशन सॉइल की बहुत ईजी हो गई थी। इसके साथ ही साथ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स भी हो रहा था, जिसकी वजह से सेटल्ड एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज जो हैं वो बन पाई। न्योलिथिक पीपल जो थे उन्होंने पॉटरी भी शुरू की, ग्रेन्स भी स्टोर करना शुरू किया, ग्रेन स्टोर करने के लिए ही उन्होंने पॉटरी की शुरुआत की थी। और इस रीडेवलपमेंट से न्योलिथिक फेस को की जो ह्यूमन लाइफ थी वो ग्रेटली इफेक्ट हुई। कुछ स्कॉलर्स इसको न्योलिथिक रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, बस ज़्यादातर स्कॉलर्स बिलीव करते हैं कि ये चेंजेस सिग्निफिकेंट थे और इसे अर्लियर प्रोग्रेस के साथ ही उसी कंटेक्स्ट में देखना चाहिए, जैसे कि हमने पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक को देखा है, और इसे एवोल्यूशन देखना चाहिए, नॉट रेवोल्यूशन। अब न्योलिथिक पीरियड में जो टूल्स यूज हुए हैं उनकी बात करते हैं। न्योलिथिक टूल्स कंसिस्ट ऑफ द ग्राउंड टूल्स हैविंग सम स्मूथ सरफेसेस एंड वेल राउंडेड एंड सिमेट्रिकल शेप। द ग्राइंडिंग मेड द टूल शार्पर, पॉलिश एंड मोर इफेक्टिव देन दोज इन अर्लियर पीरियड। सो बच्चों, न्योलिथिक टूल्स जो थे वो एक तो ग्राउंड टूल्स होते थे स्मूथ सर्फेसिस वाले, वेल राउंडेड और सिमेट्रिकल। ग्राइंडिंग की वजह से जो टूल्स थे वो शार्पर होने लगे, पॉलिश होने लगे और काफ़ी इफेक्टिव होने लगे। ग्राउंड टूल्स जो पुराने पीरियड के टूल्स थे अगर उनसे हम कंपेयर करते हैं तो काफ़ी इफेक्टिव होते थे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो ये न्योलिथिक एज के हमारे टूल्स हैं। द ग्राउंड स्टोन टूल्स ऑफ द न्योलिथिक पीरियड इंक्लूडेड डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेस कॉल्ड सेल। बिसाइड द स्टोन टूल्स द साइज ऑफ दिस पीरियड हैव ऑल्सो यूज्ड वेरियस टाइप्स ऑफ बोन ऑब्जेक्ट्स सच एज नीडल, स्क्रैपर, बोरर्स, एरोहेड, पेंडेंट्स, स्पैंगल्स एंड ईयरिंग्स। सब टू बोन से ही जो लोगों ने टूल्स बनाने शुरू कर दिए। इससे पहले सिर्फ हमें स्टोन टूल्स नज़र आते थे, बट अब बोन से भी टूल्स बनने लगे थे और पेंडेंट, बैंगल और ईयरिंग्स वगैरह भी बनने लगे थे। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द न्योलिथिक साइट्स। द न्योलिथिक साइट्स वर स्प्रेड ओवर ऑलमोस्ट ऑल द रीजन्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन मेहरगढ़ इज अ क्लासिक साइट इन द कच्ची प्लेन्स ऑफ बलूचिस्तान। द एक्सकवेशन एट मेहरगढ़ हैव रिवील्ड द एविडेंसेज ऑफ हाउसेज बिल्ड बाई न्योलिथिक पीपल। These were built of sun-dried bricks. These houses were divided into small rooms. The evidence of cultivation of crops like wheat, barley and cotton were discovered from here. The important sites in Kashmir Valley include Burzaum and Gufkral. The dwelling pits, either circular or rectangle, at these sites form an important feature of Neolithic culture. The Bil Valley along the edge of Vindhyan Plateau near Allahabad in Uttar Pradesh also has many Neolithic sites such as Koldiva and Mahagra. The Neolithic tools, both stone and bone, pottery and other artifacts, floral and fauna remains have been found from these sites. So, bachcho, jab hum Neolithic age mein geographical distribution ki baat karte hain, to isme ye bhi pure India mein hume dekhne ko milta hai, Indian subcontinent mein. नॉर्थ वेस्ट रीजन में अगर हम बात करें तो एक मेहरगढ़ एक क्लासिक साइट है जो हमें न्योलिथिक जो एज थी उसके बारे में जानकारी देती है, जो बलूचिस्तान में है, दैट इज़ इन पाकिस्तान राइट नाउ। जो एक्सकवेशन हुई है मेहरगढ़ में उसे रिवील हुआ है कि यहाँ पे हाउसेस के एविडेंस मिले हैं न्योलिथिक पीपल द्वारा बनाए हुए, जिसमें सन ड्राइड ब्रिक्स का यूज़ हुआ था। तो मतलब आप सोचो कि
कि कितना डेवलप वहाँ तक लोग हो गए थे कि सनड्राइड ब्रिक्स भी हमें वहाँ पे देखने को मिलती हैं। स्मॉल रूम्स में डिवाइडेड थे ये घर जो थे, और क्रॉप्स जैसे कि वीट, बार्ले और कॉटन का भी कल्टिवेशन का एविडेंस यहाँ पे मिलता है। इम्पॉर्टेंट साइट्स जो हैं कश्मीर वैली में नियोलिथिक से रिलेटेड वो हैं बुरजाम और गुफराल, जहाँ पे ड्वेलिंग पेट्स सर्कुलर या रेक्टेंगुलर में देखने को मिलती हैं, जो एक इम्पॉर्टेंट फीचर फॉर्म करती हैं नियोलिथिक कल्चर में। बिलान वैली जो है वहाँ पे भी, मतलब अलाहाबाद से वाराणसी वाला जो हमने बेल्ट पढ़ी थी, वहाँ पे भी नियोलिथिक कल्चर देखने को मिलता है। पुराने जो वहाँ की एक्सकवेशन वगैरह हुई हैं उसमें एविडेंस पाए गए हैं। नियोलिथिक टूल्स जो थे, जिसमें स्टोन के भी टूल्स थे, बोन्स के भी थे, पॉटरी आर्टिफैक्ट्स और जो फ्लोरल फौना के रिमेन्स मिले हैं वो इन्हीं साइट से पाए गए हैं। इन बिहार एंड मिड गैंजेटिक वैली रीजन चिरान एंड इज़ द मोस्ट पॉपुलर साइट नियोलिथिक साइट। बिहार में भी हमें नियोलिथिक जो है एविडेंस मिले हैं, जो चिरान करके एक वहाँ पे रीजन है जहाँ से पाए गए हैं। सेवरल नियोलिथिक साइट्स आर प्रेजेंट कवरिंग द हिल्स ऑफ असम। असम के जो हिल्स हैं वहाँ पे भी नियोलिथिक एज देखने को हमें एविडेंस वहाँ पे मिले हैं, मेघालय और नागालैंड में भी मिले हैं। द टूल्स लाइक नियोलिथिक सेल, स्मॉल ग्राउंड एक्सेस अलॉन्ग विद द रिमेन ऑफ पॉटरी हैव बीन फाउंड फ्रॉम दीज एरियाज। इन साउथ इंडिया द नियोलिथिक सेटलमेंट्स वर डिस्कवर्ड अलॉन्ग द रिवर भीमा, कृष्णा, तुंगभद्रा एंड कावेरी। इंपॉर्टेंट साइट्स जो यहाँ पे मिली हैं वो है संगना कल्लू, ब्रह्मागिरी, मस्की, पिखलीहल, हल्लूर इन कर्नाटका, उतनूर, नागार्जुना कोंडा, बुदीहल ही आंध्र प्रदेश में है, पायमपल्ली तमिलनाडु में। दीज साइट्स हैव यील्डेड ड्वेलिंग पेट्स अलॉन्ग विद द एविडेंस ऑफ कल्टिवेशन ऑफ सीरियल्स एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। मिलेट्स वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट क्रॉप कल्टिवेटेड बाई द विलेजर्स ऑफ साउथ इंडिया। सो मिलेट, जिसे हम रागी भी कहते हैं, वो एक अर्लीस्ट क्रॉप जो कल्टिवेट की गई थी साउथ इंडिया में उनमें से एक है। अब हम बात करेंगे सब्सिस्टेंस पैटर्न की। द एडवेंट ऑफ एग्रीकल्चर मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट चेंज इन नियोलिथिक फेज, क्योंकि एग्रीकल्चर का जो है ग्रोथ हो गई थी, डेवलप हो गया था, काफ़ी क्रॉप्स जो हैं कल्टीवेट करी जाने लगी थी, तो इसकी वजह से नियोलिथिक फेज जो है उसमें एक सिग्निफिकेंट चेंज आया। द पीपल कल्टिवेटेड वेरियस काइंड ऑफ क्रॉप्स सच एज वीट, बाली, राइस, मिलेट्स, लेंटिल्स एक्सेट्रा डिपेंडिंग ऑन द जोग्राफिकल कंडीशंस। तो जो नियोलिथिकल एज के लोग थे उन्होंने अलग अलग जो क्रॉप्स हैं उन्हें कल्टिवेट किया, जैसे भी जहाँ जिस भी रीजन में वो रहते थे वहाँ की जो भी जोग्राफिकल कंडीशन होती थी उसके हिसाब से। एग्रीकल्चर ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया एनिमल डोमेस्टिकेशन में, क्योंकि जब एग्रीकल्चर होगा तो एनिमल्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। हंटिंग एक इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन उस टाइम पर भी थी। द पीपल डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स विच इंक्लूड शीप, गोट, कैटल एक्सेट्रा, और वाइल्ड एनिमल्स को हंट करते थे, और जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते थे उन्हें डोमेस्टिकेट करते थे। बोर, नीलगाय, गैजल्स इन सब पर शिकार करते थे। हंटिंग उस टाइम पर भी चल रही थी। डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोन टूल्स वर मेड बाय नियोलिथिक पीपल विच हैज़ ऑलरेडी बीन डिस्कस। हमने टूल्स सारे डिस्कस कर लिए हैं तीनों फेजेस के। द नियोलिथिक पीपल ऑल्सो मैन्युफैक्चर्ड पॉटरी विच वॉज इनिशियली हैंड मेड एंड लेटर टर्नड ऑन व्हील एंड फायर्ड इन लार्ज कैंस। सो पॉटरी का भी जो शुरुआत है पॉटरी की वो यहीं से शुरू हुई थी। पहले वो हैंडमेड होती थी, बाद में व्हील यूज़ किया जाने लगा उसको बनाने के लिए, और फायर का भी यूज़ होने लगा। जैसे कि आपने अभी देखा होगा जो ईंटों को बनाने की भट्टी होती है वहाँ क्या किया जाता है, वहाँ कच्ची मिट्टी से ईंटें बनाई जाती हैं, देन उन्हें फायर में पक्का किया जाता है। तो सेम जो ये मेथड है वहीं से शुरू हुआ है। द न्यू पॉलिश टूल्स मेड इट ईजियर फॉर ह्यूमंस टू कल्टिवेट, हंट एंड परफॉर्म अदर एक्टिविटीज़ इन अ बेटर मैनर। सॉरी, इससे पहले हमारा ये दो पॉइंट रह गए। दीज वर द मेजर मीन्स ऑफ स्टोरेज फॉर ग्रेन्स। इन नट शेल वी कैन से दैट द नियोलिथिक कल्चर वर कैरेक्टराइज बाई चेंज फ्रॉम हंटिंग एंड गैदरिंग टू कल्टिवेशन ऑफ प्लांट्स टू एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। सो बच्चों, हम ये कह सकते हैं ये जो पॉटरी की शुरुआत हुई है ये तो इसलिए हुई थी कि जो फूड ग्रेन्स होते थे, जो खेती हो रही है, जो एग्रीकल्चर बढ़ रहा है उसमें फूड ग्रेन्स भी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उनको स्टोर करने के लिए ये पॉटरी की शुरुआत हुई थी। ठीक है, सो हम ये कह सकते हैं कि
नियोलिथिक कल्चर जो था वो कैरेक्टराइज हम उसे कर सकते हैं कि हंटिंग और गैदरिंग से लोग कल्टिवेशन और डोमेस्टिकेशन पे आ गए थे। जो नए फॉरेस्ट टूल्स होते थे उन्होंने लोगों के लिए ईजियर कर दिया कल्टिवेट करना, हंट करना और दूसरी एक्टिविटीज़ को बेटर तरीके से परफॉर्म करने के लिए। इट लेड टू ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ फूड रिसोर्सेज एज वेल एज टू एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन। इसकी वजह से क्या हुआ कि एक तो फूड अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो गई क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है तो फूड भी आपको अच्छा मिलेगा, अच्छे रिसोर्सेज मिलेंगे फूड के। इसके साथ साथ इंक्रीज इन पॉपुलेशन भी हुआ जिसकी वजह से विलेज सेटलमेंट्स भी बढ़ने लगी और जो नियोलिथिक कल्चर था उसने कंडीशन ऐसी कर दी कि जो टाउन्स की जो ग्रोथ है वो भी यहीं से उसकी शुरुआत हो गई थी, वो बाद में जाके फिर टाउन्स भी ग्रो हुए। इन तीन क्वेश्चंस के आंसर आप इसी जो अभी हमने नियोलिथिक एज पढ़ी है इसी के बेसिस पे देंगे। इसके बाद आता है द प्री हिस्टोरिक आर्ट। द रॉक पेंटिंग्स वर एन इम्पॉर्टेंट एंड डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द मेसोलिथिक पीपल थ्रू देयर बिगनिंग विल बी ट्रेस्ड टू द अपर पैलियोलिथिक पीरियड। दीज पेंटिंग्स आर मेड ऑन द वॉल्स ऑफ रॉक शेल्टर्स मैक्सिमम ऑफ विच हैव बीन फाउंड इन भीमबेटका इन मध्य प्रदेश। These throw light on social and economic life on Mesolithic people. So बच्चों rock paintings जो है वो एक important और distinct feature है Mesolithic people का, not Neolithic। ये middle age वाले जो middle stone age वाले लोग थे उसमें हमें rock paintings देखने को मिलती हैं। ये जो rock paintings हैं ये हमें दीवारों पर बनी हुई मिलती हैं, जो rock shelters होते थे उसकी दीवारों पर हमें देखने को मिलती हैं और maximum जो है वो हमें मिलती हैं भीमबेटका, ये भोपाल के पास एक region है मध्य प्रदेश में। और इसी के वजह से जो मेसोलिथिक लोग थे उनकी सोशल और इकोनॉमिक लाइफ के बारे में हमें काफ़ी जानने को मिला है। द मेन सब्जेक्ट ऑफ पेंटिंग्स आर हंटिंग, फिशिंग एंड फूड गैदरिंग। तो जो पेंटिंग में जो बनाया जाता था उसमें ज़्यादातर जो चीज़ें देखने को मिलती थी दैट इज़ हंटिंग, फिशिंग एंड फूड गैदरिंग, जिसमें हमें शिकार, फिशिंग और फूड कैसे गैदर किया जाता था वो सब देखने को मिलता था। एनिमल्स लाइक बोर, बफेलो, मंकी एंड नीलगाय आर ऑफन डिपिक्टेड इन दीज पेंटिंग्स। और जो हमें एनिमल्स देखने को मिलते थे मे बी उस टाइम पे इन्हीं की ज़्यादा हंटिंग होती होगी, बफेलो, बोर, नीलगाय ये सब देखने को मिलते थे। सोशल एक्टिविटीज़ लाइक चाइल्ड बर्थ, रियरिंग ऑफ अ चाइल्ड एंड बरियल सेरेमनी आर ऑल्सो शोन इन द इन दीज रॉक पेंटिंग। तो उसके बारे में भी जानकारी मिलती है वहाँ पे कि किस प्रकार उस टाइम पे ये चीज़ें की जाती थी केटर। The scenes of hunting in a group suggest that Mesolithic people lived in a small group. कुछ ऐसी paintings हैं जिसमें groups दिखाए गए हैं hunting करते हुए, तो उससे पता चलता था कि Mesolithic लोग जो होते थे वो small groups में रहते थे। Thus we can say that the Mesolithic society was more stable than the one in Paleolithic age through hunting gathering still remain its main preoccupation. सो हम ये कह सकते हैं कि जो मेसोलिथिक सोसाइटी थी वो ज़्यादा स्टेबल थी पैलियोलिथिक एज से, लेकिन हंटिंग और गैदरिंग वहाँ तक भी उनकी मेन प्रीऑक्यूपेशन रही थी। नियोलिथिक में आके थोड़ी वो चेंज हुई है, डोमेस्टिकेशन शुरू हो गई, एग्रीकल्चर शुरू हो गया। यहाँ पे देखो एक पेंटिंग हम देख सकते हैं, ये मेसोलिथिक द्वारा ही बनाई गई है जिसमें आपको कुछ स्मॉल ग्रुप्स दिख रहे हैं, कुछ एनिमल्स भी बनाने की कोशिश की गई है, बर्ड्स, एनिमल और हॉर्सेज या ये जो भी है दिखाए गए हैं एनिमल्स जिस पे जा रहे हैं हंटिंग के लिए या जो जो भी है वो ट्रैवल कर रहे हैं। ये प्री हिस्टोरिक आर्ट ही है जो मेसोलिथिक टाइम से हमें मिलता है। इसके बाद आता है ओके इसके बाद इस चैप्टर की हमारे पास समरी आ जाती है कि हमने इस पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। इस चैप्टर में हमने ज्योग्राफिकल ये सबसे पहले तो हमने ये पढ़ा है कि हिस्ट्री जो होती है वो ग्रेटली इन्फ्लुएंस होती है जिस भी रीजन की हम हिस्ट्री जानना चाहते हैं उसकी हिस्ट्री उसकी ज्योग्राफिकल और एनवायरमेंटल कंडीशन से ग्रेटली इन्फ्लुएंस होगी। डिफरेंट रीजन जो होते हैं वो उनकी जो टॉपोग्राफिकल फीचर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं और उसी की वजह से उनके हिस्टोरिकल चीज़ें भी चेंज हो जाती हैं। हिमालयाज जो हैं उन्होंने हमेशा से हमको प्रोटेक्ट किया है, माउंटेन पासेस जो हैं उन्होंने पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल इंट्रैक्शन में हेल्प की है। फर्टाइल रिवर प्लेन्स जो है नॉर्थ इंडिया के उन्होंने रिच एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में हेल्प की है। ठीक है, फिर तीन फेजेस हमने इसमें पढ़े हैं, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। उन तीनों के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है कि क्या उनके उस टाइम पे मेन ऑक्यूपेशन रहती थी, क्या टूल्स होते थे, किस तरीके से वो लोग रहते थे, सब हमने उसके बारे में डिटेल में पढ़ा है। इसमें सारे जो हमने बीच में क्वेश्चंस आए थे उसके आंसर्स यहाँ पे दिए हुए हैं दैट यू कैन चेक।
नेक्स्ट चैप्टर मैं जल्दी अपलोड करूँगी, तब तक के लिए आप इस चैप्टर को अच्छे से समझिए। कोई भी डाउट होता है, कुछ भी कन्फ्यूजन होती है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे अपना डाउट बता सकते हैं। आई विल क्लियर दैट डाउट श्योरली।